एल्विश यादव का बिगड़ने वाला है सिस्टम। क्या 20 साल तक जेल में रहेंगे एल्विश यादव? एल्विश यादव इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब वो आसानी से जेल से नहीं निकल पाएंगे और एल्विश को 20 सालों से भी ज्यादा तक जेल में रहना पड़ सकता है। यानी एल्विश का सिस्टम अब पूरी तरीके से बिगड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। रेव पार्टी और पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव पूरी तरीके से फंस गए हैं। नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि एल्विश यादव ने पुलिस पूछताछ में रेव पार्टी ने सांप के जहर की सप्लाई की बात को स्वीकार कर लिया है, यानी मान लिया है। अब जब एल्विश ने रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई की बात को मान लिया है तो उन्हें काफी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि यूट्यूबर और बिग बॉस OTT2 विनर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा कमिश्नरेट पुलिस पहले ही गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है और ये धाराएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि उन्हें 20 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। इसलिए हम भी आपको फटाफट से बता देते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। एल्विश यादव पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइक्लोटोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लगाया गया है, NDPS एक्ट, नशीले पदार्थ जैसे अफीम, चरस, हेरोइन, LSD खरीदने, बेचने, सेवन करने या बनाने पर लगाया जाता है। एल्विश पर सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप है। ऐसे में अगर एल्विश आरोपी सिद्ध होता है तो इस एक्ट के तहत उन्हें 20 साल तक के लिए जेल की सजा हो सकती है। वहीं एल्विश यादव पर दूसरा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगा है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि वह वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर लगाया जाता है। इस एक्ट में 43 वन्य जीवों को शामिल किया गया है, इस सूची में सांप भी है। इस एक्ट में कवर होने वाले किसी भी वन्य जीव की सुरक्षा के साथ कुछ गलत करने वाले को 3 से 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अब गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के बाद एल्विश पर ये दोनों एक्ट भारी पड़ सकते हैं। एल्विश पर कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पिछले साल 8 नवंबर को रेव पार्टियों में नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल करने के लिए एक FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने सांप के जहर के साथ 5 लोगों को तब अरेस्ट किया था। FIR में एल्विश यादव का नाम भी सामने आया था। पुलिस ने एल्विश यादव को रविवार को गिरफ्तार कर सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से एल्विश यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि एल्विश यादव ने 29 अप्रैल 2016 को अपना YouTube चैनल शुरू किया था। अगस्त 2023 तक उसके पहले YouTube चैनल पर 13.2 मिलियन सब्सक्राइबर और 1.16 बिलियन व्यूज थे। एल्विश ने शुरुआत में अपने चैनल का नाम द सोशल फैक्ट्री रखा था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर एल्विश यादव कर दिया गया। एल्विश का कंटेंट फ्लैश फिक्शन और वैचारिक शॉर्ट फिल्मों के आसपास घूमता है। इसके बाद एल्विश ने 23 नवंबर 2019 को एल्विश यादव ब्लॉग्स नाम से एक नया YouTube चैनल लॉन्च किया। फरवरी 2023 तक नए चैनल पर 3.47 मिलियन सब्सक्राइबर और 95 मिलियन व्यूज थे। मई 2023 में एल्विश ने एक नया गेमिंग चैनल एल्विश यादव गेमिंग भी शुरू किया था। साल 2023 में ही एल्विश को रियलिटी शो बिग बॉस OTT में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर मौका मिला और वो विजेता बनकर बाहर निकला। इस वक्त एल्विश यादव कपड़ों के ब्रांड सिस्टम क्लोदिंग और एलग्रो वुमेन का मालिक भी है। फिलहाल 3 नवंबर 2023 से पहले एल्विश यादव की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। वो अपने नेम और फेम का मजा ले रहा था, लेकिन नोएडा पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 91 के सेवरोन बैंक्वेट हॉल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जहां कुल मिलाकर 9 सांप बरामद किए गए थे, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहे सांप और 1 रेड स्नेक बरामद हुआ था। जांच से पता चला था कि सभी 9 सांपों में वेनॉम ग्लेड्स गायब थी, जिसमें जहर होता है। पुलिस ने उस दिन पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 20 ml सांप का जहर भी बरामद किया था। उन सांपों और सांप के जहर का इस्तेमाल दिल्ली NCR में अवैध रेव पार्टियों में किया जाता था। यूं तो ये मामला किसी थाने की फाइल में दबकर रह जाता, लेकिन इस केस के पीछे हाथ था BJP सांसद मेनका गांधी के NGO का। उसी NGO की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच के दौरान सांप बरामद किए थे।
जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि जानलेवा जहर की पार्टियों के पीछे मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी शामिल है, जिसके बाद एल्विश इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। खैर, अब थोड़े दिनों में यह भी पता लग जाएगा कि एल्विश यादव कितने सालों तक जेल में रहेगा, जिसकी पूरी खबर श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।